नमस्कार, जय जोहार संगी हो। दो तीन ठन वीडियो दू ठो वीडियो में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के लगाए रहे हूँ। वो वीडियो यूट्यूब वो फेसबुक में लाइव रही मैं डाले रहे हूँ। तेकर बाद बहुत सारा प्रश्न मूर्ति लगातार आवत है दर्शक मन के, तो मैं सोचे हूँ कि और कुछ दूसर वीडियो बनाओ ओकर पहली ये जो उन प्रश्न आवत है तेकर जवाब आप मल्ला सामान्य रूप से जरूर दे दूँ कहके मैं आज ये वीडियो बनाता हूँ। तो संगी मन वो दोनों वीडियो ला देखे के बाद उनकर मन में जो सवाल है मुख्य मुख्य जो सवाल उमन करत हैं फोन के माध्यम से या फिर कमेंट्स के माध्यम से ओकर बारे में बताए पर मैं ये वीडियो में आज आए हूँ। सबसे पहली प्रश्न लोगन मन ये पूछते हैं कि सीमांकन में यदि हितबद्ध पक्षकार और आजू बाजू के जो हमार खेत या हमार प्लाट लगे है तेकर चारों कोना के या जतका कोना लगे है ओकर सीमा के जो किसान हैं या भूमिधारी हैं वो भूमिधारी ला यदि सूचना नहीं दे गए है विधिवत सीमांकन के सूचना प्राप्त नहीं हो ता ओकर बाद भी यदि सीमांकन कर लिए जाते है तो ऐसन सीमांकन हा शून्य घोषित करे जा सकत है। ता आपला सलाह है कि आपके जमीन से हितबद्ध पक्षकार जोन जोन है तौन और आपके जमीन के सीमा से लगे हुए चारों तरफ के व्यक्ति मल्ला नोटिस सीमांकन के अवश्य पहुंचाओ। काबर की आरआई है ये संबंध में आपे ऊपर निर्भर रही थे, आप बताओ कि आपके आजू बाजू में कौन है तो उनला आ रही है अपन हस्ताक्षर से नोटिस सर्व करते। दूसर प्रश्न मूर्ति रात है कि यदि भूखंड के सत्व है ना सत्व विवादित है ता ऐसन देख ये देख चावत है रेट रहा भूखंड के सत्व यदि विवादित है ता ऐसन भूखंड के सीमांकन करे बर तहसीलदार है या आरआई है मना कर सकत है। अब सत्व के बारे में कभू विस्तृत रूप से हम वीडियो बनाबोन। आपके जमीन में आपके स्वामी के रूप में नाम यदि है पर कब्जा नहीं है सामान्य अवस्था में यहाँ समझ सकता हो तो ऐसे स्थिति में वो सत्व आपत्ति नहीं है ऐसे माने जाते। तो कागज भर में आपके नाम है कब्जा आपके नहीं है या विधिक रूप से आप मेरे सत्व होकर नहीं है तो ये बात यदि सिद्ध हो जाते तो वो सीमांकन करे बर तहसीलदार है या आरआई है मना भी कर सकते है। अगर कहीं गलती से कोई रिकॉर्ड में आपके नाम चढ़ गए है और कोई त्रुटि हो गए है वो त्रुटि के आधार पे तय हाँ सीमांकन लगाबे कि राष्ट्रपति भवन हम मोर नाम में चढ़ गए है और राष्ट्रपति भवन के सीमांकन मोर नाम से करे जाए तो ऐसा सीमांकन करे बर तहसीलदार या आरआई है मना कर सकत है। दूसरा एक और प्रश्न आते कि सीमांकन के आवेदन मात्र हितबद्ध पक्षकार या भूमि स्वामी ही है करा सकते है, दूसरा व्यक्ति सीमांकन के आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके और यदि करत है तो ओला इंटरटेन यानी ओला माने बर या वो सीमांकन कराए के आदेश दे बर तहसीलदार है बाध्य नहीं है। यदि वो संपत्ति आपके नाम में है तो आप आवेदन कर सकत हो, यदि वो संपत्ति से आप हितबद्ध हो या आप हिस्सेदार हो वो खाता में आपो के नाम है या ऐसे भी स्थिति निर्मित हो सकत है आपला सिद्ध करे लगी कि आपके पिता के संपत्ति है पिता आवेदन करे में असमर्थ है तो पिता की ओर से आप आवेदन कर सकत हो पर ये ला माने जाही पिता के आवेदन
कुल मिला के हितबद्ध पक्षकार ही हा सीमांकन के आवेदन कर सकते, अन्य व्यक्ति नहीं कर सके। और कुछ प्रश्न है, एक दिन के थे कि सीमांकन में आपत्ति कब कब और कैसे कैसे उठाए जाते, और यदि आपत्ति उठाए जाते तो का सीमांकन हा अवैध घोषित करे जा सकते सीमांकन ला। तो ये घलो एक बड़े प्रश्न है और एक उत्तर है दो मिनट में नहीं दिए जा सके, फिर भी मैं मोटा मोटी आप मान ला बताऊं कि सीमांकन में आपत्ति करे के स्थिति दो बार निर्मित होते। एक बार तो जब तहसीलदार है आर आई ला आदेशित करते कि फला व्यक्ति के आवेदन आए है और ये आवेदन के आधार में वो व्यक्ति के जमीन के सीमांकन किया जाए, आर आई ला आदेशित करते, आर आई सीमांकन के प्रक्रिया चालू करते, खेत में जाते या आर आई के सीमांकन के जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के बीच में कोई आपत्ति प्रस्तुत होते तो बोला आर आई है स्वीकार करते, बोला हाथ में लेते या वो आवेदन लेते और वो निराकरण आर आई है करे के प्रयास करते, सुन समझते कत का नाप है, आजू में का है, बाजू में का है, तो रजिस्ट्री में के सीमा का लिखे है, मोर रजिस्ट्री के सीमा का लिखे है, वो सब ला मैच करके सीमांकन करते। दूसर आपत्ति के स्थिति निर्मित होते जब ये सीमांकन रिपोर्ट बना के आर आई है तहसीलदार में प्रस्तुत कर देते, तो सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करे के बाद तहसीलदार में आपत्ति करे के तको एक अवधि रही थे, तहसीलदार में भी आप आपत्ति प्रस्तुत कर सका था, उमा दोनों किस्म के आपत्ति हो सकते, विधिक त्रुटि यदि सीमांकन के प्रक्रिया में हो हेता या आप दावा करत होता, पर आप ला सिद्ध करे लगी कि आप हितबद्ध पक्षकार हो या फिर वो चौहद्दी के कोई पक्षकार हो। ये स्थिति में कुछ स्थितियां अनिर्मित होते कि जो हितबद्ध पक्षकार नहीं है, जो थर्ड पार्टी है, कोई मतलब नहीं है वाला जमीन के, तौनो मन है कभी कभी सीमांकन ला रोक देबर या सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त न होए, आप ला लाभ प्राप्त मत होए, आपके जमीन आप ला मिल नहीं सके कहके तीसरा व्यक्ति है तको कभी कभी आपत्ति प्रस्तुत करते। तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति के आपत्ति ला सुने बर तहसीलदार मना कर सकते है, काबर की आर आई के नियुक्ति आर आई ला जमीन के सीमांकन करे बर तहसीलदार आदेशित करते, और जो सीमांकन प्रतिवेदन तैयार होते ओला फाइनल आदेश के रूप में प्रसारित करते तहसीलदार है। दोनों स्थिति में वो आदेश है आदेश तहसीलदार के होते, ऐसे तहसीलदार के आदेश के अपील या रिविजन होकर सर्वोच्च कोर्ट में होते। ता ये चीज ला ध्यान रखो कि तहसीलदार के कोई आदेश है जो उनमें सीमांकन अवधि में थर्ड पर्सन है अगर कोई आपत्ति करत है तो आप बिल्कुल कह सकता था कि थर्ड तीसरा व्यक्ति है आवेदन करत है सर आपत्ति करत है तो एला आप ऊपर के न्यायालय में अपील करेला कहो, यहाँ के प्रक्रिया ला पूरा करो करके। और दूसरा एक प्रश्न है के सीमांकन हुई सब पता चल गए कि सामने वाले व्यक्ति है मोर जमीन ला कब्जा करे है 15 फीट, तो ये स्थिति में वो 15 फीट ला प्राप्त करे बर मैं कब और कैसे आवेदन कर सका था, एक बार भी हम पृथक से वीडियो बनाबोन। पर सामान्य नियम ये है कि सीमांकन होए के 2 साल के अंदर में भू राजस्व संहिता के धारा 250 के तहत तहसीलदार ला यदि वो इनक्रोचमेंट के बारे में जो सीमांकन रिपोर्ट में आए है बताते हुए आवेदन करे ले, तहसीलदार है फोर्स सहित आपला वो भूमि के कब्जा प्रदान करते। और 2-3 प्रश्न हैं तो उनमें है कि सीमांकन के लिए का भूमि स्वामी होए के यानी रजिस्ट्री पेपर की आवश्यकता है का, तो बिल्कुल आवश्यकता है। रजिस्ट्री पेपर के आवश्यकता कहे का मतलब ये है कि आप वो भूमि के स्वामी आओ ये बात ला सिद्ध करे के दस्तावेज देना है, यदि वो पुरखौती जमीन है तो आप ऋण पुस्तिका या पर्ची जो है तो उन प्रस्तुत कराओ, यदि आप वो जमीन ला खरीदे हो तो वो रजिस्ट्री प्रस्तुत कराओ, करे चला लगी वो ओकर बिना आवेदन स्वीकार करे में अगर कहीं रिजेक्ट कर दे तहसीलदार है
आप मना नहीं कर सका, वो जायज रूप से मना कर सका थे। और एक प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न अक्सर मोर से फिजिकली भी लोगन मन हाँ पूछते हैं और कमेंट्स में भी आए है कि यदि सीमांकन के नोटिस आप ला आजू बाजू वाले आप ये आओ खेत वाले आओ और आप ला आवेदन नोटिस आए है और नोटिस आए के बाद आप ला वो सीमांकन के जो नापा है तो उनमें आप ला पसंद नहीं आप ला आपत्ति है आप ला विरोध है। और जब आ रही है पांच पंचनामा बनाईस तब वो पंचनामा में आप दस्तखत नहीं करे हो और बाहर आके कि था मैं नहीं करेगा वो तो गलत मापे रही से ते कसे ती दस्तखत करे कहीं तो मैं नहीं करे हूं बड़ा संतुष्ट हो जाता। आपके दस्तखत नहीं करे से आप बच नहीं जाओ, आप ला दस्तखत करना है और दस्तखत करे के ऊपर में लिख देना है कि ये जो सीमांकन हो है ओकर आपत्ति के साथ मैं ये मैं दस्तखत करा था। कई ऐसे केस डिसाइड हुए है जो उनमें यदि सिद्ध हो जाते कि आपकी उपस्थिति थी आप वहां रहे हो और नापी होइस तेकर बाद भी आप आपत्ति नहीं करे हो ओमा नहीं लिखे हो बाद में आके कोई आपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत करत हो तो ओला फेब्रिकेटेड यानी बाद में बनाए हुए आपत्ति माने जाते। तत्काल नाप के समय में आप आपत्ति यदि नहीं करे हो और आपत्ति बिना करे या आपत्ति करे हो भी तो मैं दस्तखत नहीं कर रहा हूँ कि मटिया के घुसिया के चल दो तो ये आप बड़ ठीक नहीं है। आपला बिल्कुल पंचनामा में दस्तखत करना है आपत्ति के साथ दस्तखत करना है। दूसर है एक झिन पूछे रही जी हाँ नक्शा में बटांकन नहीं है तो का सीमांकन पर तहसीलदार रिजेक्ट कर सकते हैं सीमांकन आवेदन नहीं लाई। ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कंफर्म नियम है कि नक्शा में यदि बटांकन नहीं है तो तहसीलदार है वो भूमि के सीमांकन करे बर मना कर सकते हैं 100% मना कर सकते हैं। अभी का है 500-500 वर्ग फुट के जमीन ला बेचे जाते 500 वर्ग फुट ला जो पटवारी नक्शा है तो उनमें एक बिंदु लगा ही तो एक 500 वर्ग फुट जमीन प्रस्तुत हो जाते। तो ऐसे स्थिति में यदि बटांकन नक्शा में नहीं होए तो ऐसे बटांकित ऐसे जमीन के सीमांकन करे जाना संभव नहीं है। तेकर सेती तहसीलदार मन हा ऐसन भूमि के जेकर बटांकन नक्शा बटांकन नहीं होए तेकर सीमांकन करे बर मना कर सकते। उन मन सीमांकन करे पर आप अनुरोध करो या कोई कानूनी ऊपर से आदेश है तो जरूर सीमांकन करें कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गए है या कुछ हो है तो। बाकी सामान्य अवस्था में यदि नक्शा में बटांकन नहीं होए तो ओकर सीमांकन करे पर बिल्कुल मना कर सकते। एक प्रश्न वो आए रही से शायद मध्य प्रदेश में ये काम चालू हो गए है हमारे छत्तीसगढ़ में भी चालू हो ही कि देख ये कान लचावा था। अरे नहीं बेटा तो जो आधुनिक मशीन है जेकर से क्षेत्रफल नापे जाते आजकल इंजीनियर्स मन है यूज उपयोग करते हैं ऐसे मशीन से भी नाप के सीमांकन करे गए है मध्य प्रदेश वाला स्वीकार करे गए है। हो सकते छत्तीसगढ़ में भी आए बहुत एग्जैक्ट नाप हमारे तीर प्रस्तुत हो ही। भविष्य के हम अच्छा कामना करन आज बार अकेच और फिर ऐसने कोई अच्छा सब्जेक्ट लेके अब हम कानूनी किसान मन भाई मन ला फायदा हुए इसे कानूनी जानकारी आप ला देबो। तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़ ही नमस्कार।